तो पापा इधर बना रहे हैं साग, मतलब खाड़ी बनेगी। इधर कुछ जंगली पौधा था, ये लगाया नहीं गया था, उगा है अपने से, तो उसी को पापा साफ करने गए थे, तो ये सबको तोड़ के लाए हैं, तभी बनेगा सब्जी। पापा बोल रहे हैं इसका कि इसी का आज सब्जी बनेगा, इसलिए पापा खुद ही बना रहे हैं। और इधर समीर सो रहा है कि पढ़ रहा है, कुछ पता नहीं। हेलो बोलेगा सबको। तो देखिए आलसी इसको दिए हैं मैथ बनाने के लिए मल्टीप्लाई में, तो ले लिया यार, क्या पता दिमाग में क्या जो चल रहा है इसका, सो रहा है, दो को बनाया नहीं और सोने शुरू। और अभी थोड़ा देर बाद बोलेगा मोबाइल दीजिए ना, गेम खेलेंगे। तो इसको गेम कौन देगा खेलने के लिए? मेरा बोला। और उधर बैठे हुए भाई, अगर हेलो बोल दो सबको। हेलो हेलो बग, आपका हेलो रखिए सामने। और इधर रखा होता रखे तोड़ स्टेल लाइए तोड़ के, उसको अभी बनेगा साग का सब्जी, मतलब जिसको बोलते हैं भाजी बोलते हैं, तो उसका बनेगा वो भी। और इधर तो आप लोग दिखाई किए हैं, इसका भी आज बनेगा। मेरा छोटा मामू। कौन है छोटा मामू? सामने जाके दिखाइए तो। अब बड़ा मामू कौन है? बड़ा मामू कौन? तो मामा जी को मार के दिखाते कोई। तो चलिए गाइस ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सिस्टर अभी देख सकते हैं कि क्या कर रहे हैं, मिट्टी दे रही है आंगन में, चिकनाहट कर रही है क्योंकि आ गई है दीपावली। चारों और मिट्टी खुद ही दी है खुद, और एक हमारी चाची भी है, कजन चाची, वो भी आई थी और वो भी दी है। रात को क्या हुआ, तो यहाँ पर अंदर में बैल बांधा था ना, तो जैसे निकला वो गाय तो पूरा जमीन को उखाड़ दिया था, तो उसी के लिए अभी चिकनाहट की जा रही है। थोड़ा थोड़ी जो बाकी बचा है उस सब में, उस सब का भी क्लीन कर रही है। तो हमारे YouTube फैमिली को आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर के पार हो चुके हैं और अभी भी ग्रो हो ही रहे, सब हमारे जुड़ रहे, तो उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? हाँ? क्या ची? सुनाई नहीं दे रहा क्या? इसमें भी तुम वीडियो बना रहा है। थोड़ा हमारे पब्लिक को पता रहना चाहिए ना कि हम लोग डेली ब्लॉग बन रहे थे, क्या क्या कर रहे क्या नहीं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग न्यू आए हैं तो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह से जितने भी वीडियो बने सबसे पहले नोटिस आपको मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या कैसे करके मिट्टी दे रही है आप लोगों को, वो भी दिखाते हैं। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं अभी हमारे घर पे देख रहे आंगन में मिट्टी दे रहे हैं, और डांस के टाइम भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी इस जगह पे, करते थे ना, मिट्टी सब खड़ी हुई थी, ईटा सब देख लग रही थी बार बार पैर में, और चोट भी जैसे कि देखे थे सिस्टर का नाखून भी एक बार उखड़ चुका था। तो इसीलिए ये सब क्लीन अप किया जा रहा है, और अभी दीपावली आ रही है तो इसी के लिए खास करके वो बन रही है। तो देख सकते हैं कि कैसे करके ये मिट्टी दे रही है। ये देखिए जितने भी कंकड़ मिट्टी है सबको साफ करके यहाँ पर दिया जा रहा है, आंगन है, चिकनाहट तो करना पड़ेगा ही। क्या बोल रहे थे थोड़ा सा बोल दीजिए। तो अगर आप लोग को मिट्टी देने सीखना है, अगर कोई गांव से बिलोंग करते हैं तो देख सकते हैं। तो इस तरह से मिट्टी दी जा रही है, और यहाँ पर जो कंकड़ वाले मिट्टी दिया गया है ताकि मतलब हो के मिट्टी को पकड़ के रखे, कैचअप करके रखे। ऐसे नॉर्मल मिट्टी देंगे तो तुरंत पानी मिलेगा और पिघल के नीचे आ जाएगा, इसीलिए कंकड़ मिट्टी वाला यहाँ पर दिया गया है, और ये नॉर्मल प्लेन वाला जो मिट्टी है यहाँ पर दी जा रही है। तो यदि देखेंगे बाहर कौन सा मिट्टी कहाँ से लेके आ रही है, तो आप लोग बाहर में आके देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं मिला के रखे पापा, और इधर यहाँ पर ये सब कुछ चीज़ दी जा रही है। पूरा आंगन में देख सकते हैं इसी तरह से दिया गया है। एक बार फेस इधर दिखा दो, क्या बोलना चाहिए हमारे दर्शकों को? आप लोग देख ही रहे हैं कि लॉकडाउन में हम लोग कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो घर ही में ब्लॉग बना रहे हैं। तो हमारे ब्लॉग अगर आप लोग को पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल में, अगर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा हमारे वीडियो। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में आज ना? हाँ मूवी नहीं धोया। हाँ सुबह से लग गई है काम में। तो चलिए एक बार देखते हैं, हम भी आजमा के देखते हैं कैसे मिट्टी दिया जाता है कैसे नहीं, हम भी एक बार देखते हैं करके। चलिए दोस्तों हम भी एक बार ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह से देते हैं किस तरह से नहीं। मुझे पानी थोड़ा देना पड़ेगा? नहीं पानी मत दो, बस थोड़ा थोड़ा हल्का दो, उधर हाथ बुला उसको क्लीन नहीं किया ऐसे। हाँ हाँ तुम करो ना रे, जैसा सकेगा। मिट्टी पहली बार दे रहे हैं, मतलब दिए ऐसे नहीं, जो दीपावली घर बनाना होता है उसमें दिए, ऐसे जमीन पे कभी दिए नहीं। मेरा भी फर्स्ट ट्रेनिंग है ये, लेकिन हाँ हम सग गए, तो लग रहा हम भी सग जाएंगे। बोला है चाहने से क्या नहीं होती है, तो वही बात है, जहाँ चाह वहाँ रहा, वही रहा।
तुलसी को वही हो रही है। हो गया तू जा, जा मेरे भाई, तू बहुत अच्छा दे रहा है, तो थोड़ा देने दो तो अच्छा कर ना, ना तू जाना जाना रे। अरे हम एक टाइम थे ना, इतना मिट्टी देते थे ना। हाँ। तो गाइस हमारी चिकनाहट यहाँ पर रही, तो आप लोग बताइए कमेंट करके मेरा मिट्टी अच्छा दी है कि सिस्टर अच्छा दे रही है, कमेंट करके बताइए। चलिए कहे यार, ज्यादा चिकनाहट हम कर देंगे तो फिर मेरा पास क्रेडिट आ जाएगा फुल्ली, हमको क्रेडिट क्यों लेना है, सिस्टर कर रही है तो छोड़ो, रहने दो। जल क्यों नहीं रहा है? खराब हो गया, फ्यूज तो नहीं हो गया ना? ये लाइट सब का ही, अरे फ्यूज हो गया, लाइट है बल्ब फ्यूज हो गया। अरे ये बार बार लगाते हैं, अभी इसका शायद कितना लेता है इस प्रो बल्ब का? 12 रुपया, तुरंत तुरंत खत्म हो जाता है। अब वो वाला सही उधर का एक लाइट ला और लगा दो, उसमें ला कैमरा लाइट ला, लाइन दिया उस पर देखते रहे। हाँ ये रहा, ठीक से चल रहा है ना? बार बार यही बल्ब होता है, इसी का फ्यूज ज्यादा होती है। चलो ठीक है, आज का ये सब्जी मूली का और जलाने का क्रेडिट जाता है मेरे को, क्योंकि सिस्टर दी थी हमको देखने के लिए और चली गई थी वो मुंह धोने के लिए, और मेरी छत्र छाया में ये सब्जी इतना सुंदर बनी है। मिट्टी दिया हुआ? हाँ रे। दो चावल दो, तभी मिलने वाली है चावल, खाएंगे इसमें स्पेशल सुबह का माड़ भात हमारी। नमक खत्म हो गया क्या? हाँ उसी से काम चला। तुम्हारे पास आ चुकी है माड़ भात, मूली का सब्जी, और इधर से कच्चा मूली का सब्जी भी मिल चुका है, तो चलिए खा लेते हैं और फिर, तो चलिए गाइस खा लेते हैं पहले। तो दोस्तों आज कुछ स्पेशल बनने वाली है, अभी आग रेडी और ये सब आलू उबाले, अभी दाल में घुसा के उबाल लिए एक ही साथ में, तो क्या अभी स्पेशल बनेगी उसी के बारे में दिखाऊंगा आपको, वीडियो को देखिए तभी आपको पता चलेगा आज क्या स्पेशल बनने वाली है। और खाने की बहुत ही ज़्यादा वो मन कर रहा था, इसीलिए बोले चलिए अगर बनाते हैं आज, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए तभी आप लोग को पता चलेगा। तो चलिए इसको जल्दी से इसको निकाल लेते हैं छिलका से और फिर इसको रेडी करते हैं। जैसे कि मैंने वहाँ आलू का छिलका सब साफ़ कर लिया और इधर सिस्टी मसाला पीस रही है, और मसाला पीसने के बाद वो क्या चीज़ बनाया जाएगा तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, और कैसे बनाएंगे वो सब कुछ आप लोग डिटेल दिखाएंगे, तो चलिए ब्लॉग इसके बाद आगे देखते हैं कि कैसे क्या बनाते और क्या बनाते हैं। पहले चलिए हम लोग इसको गर्म होने के लिए देते हैं, और इसको ये जो आलू है इसको भी भून लेंगे थोड़ा, और फ्राई करने के बाद इसको क्या करते हैं क्या नहीं चलिए आप लोगों उसके बाद आप लोगों दिखाते हैं। लंबा लंबा कर रहे चुका है हमारा रेडी,
और उसके बाद इधर से हो चुकी है, आ चुकी है, तेल चढ़ चुकी है ऊपर, पहले का तेल थोड़ा सा बचा हुआ था तो उसी का ये है, चढ़ गया है। और उधर आ चुकी है हमारी ब्रेड, टन टन, मतलब आप लोग गेस कर सकते हैं क्या बनने वाली है। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं और कैसे बनाते हैं कैसे नहीं, हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं, अभी बनाए नहीं है इससे पहले, तो देखते हैं कि कैसे बनती है। आरी ला रे आरी, आरी ला रे, सब चीज में आरी नहीं चलेगा, नहीं तो टिकटॉक सॉरी यूट्यूब वाले में स्ट्राइक मार देंगे हमारे वीडियो पे। अरे छुरा, छुरा उरा वैसे आप नहीं दिखा सकते, वेपन्स कोई भी हथियार जैसे कुछ नहीं दिखा सकते हैं। अरे तो कुछ तो ला रहे, उसमें फट गया है देखो। अरे तो उसको बीच में तोड़ेंगे रे पागल। हो गया, तो जैसे कि निकल चुकी है ब्रेड और इसका ऊपर चलने वाले है चाकू छुरी। अभी बोला तो कुछ जैसे कि मिला नहीं, लास्ट में यही मिला है और उसी से काटा जा रहा है ब्रेड को, चुकी छुरी उरी कुछ है ही नहीं, किधर है कुछ खोज के नहीं मिला, इसलिए जो आज हम लोग जो बना रहे एकदम देहाती स्टाइल का आपको मिलेगा। एक्चुअली हम लोग ऐसे ही करके बनाते हैं एंड बहुत मजा आएगा, बहुत। एक बार खाइएगा ना तो क्या बोले, खास करके इस स्टाइल से। शुद्ध देशी 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 स्टाइल, समझ बस, नहीं बस। तेल थोड़ा कम हो गया था इसीलिए और थोड़ा सा तेल दिया जा रहा है, नहीं तो वो देखना कि उबला ही नहीं, तो उसको अच्छा से छानने के लिए वो तो देना पड़ेगा अच्छा से तेल, तो इसलिए तेल दिया गया है। और चलिए गरम करने के बाद आपको दिखाते हैं हमारे घर में क्या बन रही है। टटड़े बता सकते हैं क्या नाम है इसका, कमेंट करके बताइए क्या क्या है, ये क्या बन रही है, तो पता चल जाएगी कि आप लोग में से कौन कौन खाते हैं ये। तो दोस्तों पहला ब्रेड मेरे तरफ से ये छाना जा रहा है। अच्छा से मिला, अब छोड़ यहाँ तक कटोरा खुला, नहीं तो ठीक से हाँ सीख रहा है, सीख रहा। टन टन, ये हमारे पहला ब्रेड, और पहला ब्रेड का खा के हम उद्घाटन बताएंगे, स्वाद कैसा बना है आप लोगों को बताएंगे। ले जैसे कि देखे आप लोग अभी ब्रेड बना, और उसके लिए ब्रेड के साथ चटनी के लिए अभी पीसा जा रहा है सरसों का पत्ता, अभी इसको चटनी बनाएंगे और फिर आप लोगों को दिखाते हैं आगे। चलिए अब मैं जो थोड़ा सा आलू बच गया था, ठीक है, थोड़ा सा आलू जो बच गया था उसका मैं पकौड़ी बना दे रही हूँ। वो आलू बेसन में मिक्स करके ये देखिए मैंने पकौड़ी बना दिया। थोड़ा सा चटनी में दे देते हैं सरसों का ऑयल, ये हो गए, और थोड़ा सा ये रही नमक, और थोड़ा सा लगेगा शायद, ये हो चुकी है हमारी चटनी रेडी। तो चलिए गाइज आप लोग को खा के दिखाते हैं कि किस तरह से बना है और कैसा है, स्वादिष्ट है कि नहीं, आप लोग चलिए चख के दिखाते हैं। गजब का टेस्टी बना है, गजब का, ऊपर से सरसों का चटनी, ओ माय गॉड। आप लोग में से कोई चटनी चांद लगा रहा है, आप लोग में से कोई चटनी देके खाए हैं, चटनी देके कोई खाए हैं सरसों वाला तो कमेंट करके बताइएगा, और बहुत ही मजा आ गया, एक नंबर रेसिपी। आप लोग यदि सीखना है कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स आई प्रयास करेंगे कैसे बनाया जाता है, कैसे फिर भी दिखाई दिए हम लोग कैसे बनाते हैं कैसे नहीं। तो बस ब्लॉगिंग आज का यही रहा, आई होप आप लोग
हमारा आज का फूड देख के पसंद आया होगा किस तरह से कैसे बनाए कैसे नहीं। और इसी तरह से हमारे चैनल को रेगुलर रहने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर देना है ताकि इस तरह से जितने भी वीडियो बनेगी सबसे पहले नोटिस आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और रेसिपी सीखने के लिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।